इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी का पहले ही खाता जो है खुल चुका है। अपडेट है सूरत में, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट ने लोकसभा सीट जो है वो जीत ली है। पूरा वाक्या क्या हुआ वो जानकारी पूरी आप तक पहुंचाऊंगी, पर ये वाक्या हर किसी को हैरान करने वाला था। जब ये अपडेट सामने, आपको बता दूं कि 3 दिन बाद जो है लोकसभा चुनाव के जो दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो होनी है, और वहीं 4 जून को जो है आने वाले चुनाव के नतीजों से पहले ही इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता जो है वो खुल गया है। और कारण ये है कि सूरत लोकसभा सीट पर अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूरत में बीजेपी के मुकेश दलाल की जो है निर्विरोध जीत ऑलरेडी हो गई है। और हुआ ये कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन जो है रद्द होने के बाद अब बाकी बचे थे 8 उम्मीदवारों ने अपनी ही उम्मीदवारी जो है वहां से वापस ले ली, और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को जो है निर्विरोध चुन लिया गया, और चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट जो है, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी जारी कर दिया। और ये पहली बार है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद जो है निर्विरोध चुना गया हो, और उधर कांग्रेस ने इसे जो है मैच फिक्सिंग जो है वो इसे बताया है। पर फिलहाल आपको यही बता रही हूँ कि ये वाकया जो है इस तरह पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोकसभा में इस तरह बीजेपी के इस कैंडिडेट की बात करें तो बीजेपी का कोई सांसद जो है इस तरह से निर्विरोध जो है चुना गया हो, और उधर कांग्रेस ने इसे मैच फिक्सिंग जो है वो बताया। दरअसल गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर मतदान जो है वो तीसरे चरण में होने थे, और जो कि 7 मई को होना है, और जिसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख जो है 19 अप्रैल रखी गई थी, और नामांकन वापस लेने की तारीख जो है 22 अप्रैल थी। और राज्य की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था। बीजेपी से मुकेश दलाल और कांग्रेस के नीलेश कुंबानी ने, और बसपा से जो है प्यारे लाल भारती और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पार्टी में अब्दुल हामिद खान ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के जय, तो तमाम इस तरह के उम्मीदवार थे। और इनके अलावा कांग्रेस ने अपने वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पटसाला को भी नामांकन जो है वो कराया था, लेकिन उसे भी जो है प्रस्तावकों के कारण खारिज जो है वो कर दिया गया। और अंत में अगर बात करें तो बीजेपी के इस उम्मीदवार को जो है घोषित कर दिया गया है, और अब इस सूरत सीट से जो है बीजेपी ने अपना खाता जो है वो खोल दिया। तो बीजेपी के मुकेश दलाल जो है वो सूरत लोकसभा सीट से जो है जीत चुके हैं। अपोनेंट्स ने अपना नाम जो है नॉमिनेशन जो है वो वापस ले लिए, हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि ये मैच फिक्सिंग की तरह जो है खेल देखने को मिला है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे जेके न्यूज़।